शादी में क्या क्या लगता है? चितवन की हल्दी, इनकी ट्रिक लिखिए, चितवन की हल्दी, चितवन की हल्दी लिखो, चितवन की हल्दी, कदम का चंदन, चितवन की हल्दी, कदम का चंदन, चितवन की हल्दी, कदम का चंदन, आंगन में सिल, सिल भी रखी जाती ना, आंगन में सिल, आंगन में सिल, आ गया बसंत भीग रहा मुकुट, आंगन में सिल, आ गया बसंत, आ गया बसंत भीग रहा मुकुट, आ गया बसंत भीग रहा मुकुट, भीग रहा मुकुट, है ना। तो चितवन की हल्दी, कदम का चंदन, आंगन में सिल, आ गया बसंत भीग रहा मुकुट। फिर जब दुल्हन आ जाती कहते हैं परंपरा कटीले कौन तू, परंपरा कटीले कौन तू, परंपरा कटीले कौन तू, वो कहती निज भ्रमर तमाल, क्या कहती हैं, निज भ्रमर तमाल, निज भ्रमर तमाल। फिर क्या कहती हैं, अस्मि संचा अंग लागो, पूरा नहीं आएगा यहां, दूसरे पेज में लिखता हूं, है ना, दूसरे पेज में लिखता हूं तब आपको बताता हूं। चितवन की हल्दी, चितवन की हल्दी, कदम का चंदन, चितवन की हल्दी, कदम का चंदन, आंगन में सिल, आंगन में सिल, आ गया बसंत भीग रहा मुकुट, आंगन में सिल, आ गया बसंत भीग रहा मुकुट, भीग रहा मुकुट, आंगन में आ गया बसंत भीग रहा मुकुट, है ना, आंगन में सिल भीग रहा मुकुट, परंपरा कटीले कौन तो, परंपरा कटीले कौन तो, निज भ्रमर तमाल, निज भ्रमर तमाल, निज भ्रमर तमाल, अस्मि संचा अंग लागो, इतनी बड़ी ट्रिक है, अस्मि संचा अंग लागो, अस्मि संचा अंग लागो, गांव भाव सोहम देश, गांव भाव सोहम देश, गांव भाव सोहम देश, नदी बूंद पीपल के, नदी बूंद पीपल के, है ना, लोक और लोक का साहित्य, लोक और लोक का स्वर, बस भाई साहब इतना बड़ा है ये, है ना गोरखनाथ सिंह। देखो अब इसको पढ़ोगे कैसे, एक बार आप यहां ये वापस देखो, चितवन की हल्दी यानी चितवन की चाह हल्दी दो, चितवन की हल्दी, कदम का चंदन यानी कदम की फूली डाल तुम चंदन हम पानी, चितवन की हल्दी कदम का चंदन, आंगन में सिल यानी आंगन का पक्षी बंजारा मन मैंने सिल पहुंचाई, आंगन में सिल, आ गया बसंत भीग रहा मुकुट यानी बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, चितवन की हल्दी कदम का चंदन, आंगन में सिल, आ गया बसंत भीग रहा मुकुट, ये तो यहीं तक हो गया भीग रहा मुकुट। अब आगे बढ़ोगे आप तो कहते हैं कि जब दुल्हन आ गई, यहां तक दुल्हन आ गई, अब दुल्हन आ गई, अब दुल्हन से मिलने जा रहे हैं तो हंसी मजाक कह दिए कौन हो तुम, यहां क्यों आई हो, तो दुल्हन ने घूंघट को यूं फेंका और यूं तुरंत खड़ी हो गई लोअर टी शर्ट पहन के, और उसने बोला कि हम अपने मन से नहीं आए हैं, परंपरागत तरीके से बाजा गाजा के साथ तुम बारात से हमको लेके आए हो। तो कहते हैं कि परंपरा बंद नहीं, परंपरा कटीले कौन तू, उससे पूछते परंपरा कटीले कौन तू, परंपरा कटीले तारोकार पर कौन तू फुलवा बिन निहार, कहते हमको नहीं पहचान रहे हो, निज भ्रमर तमाल मैं तुम्हारी पत्नी हूं, निज मुख मुकुर भ्रमर यानी भ्रमरानंद के पत्र, निज भ्रमर तमाल के झरोखे से, कहती है अस्मि संचा अंग लागो, आओ मुझे गले लगाओ, यानी अस्मिता के लिए, संचा मतलब संचाड़ी, अंग लागो अंगद की नियति, लागो रंग हरि क्रम पूछा जाता है, और इतना बढ़िया मैं याद करा रहा हूं, बताइए अस्मि संचा अंग लागो। तो फिर जब अंग उंग लग गए, प्रेम हो गया, हनीमून मना लिए, तब ले जा रहे उनको गांव घुमाने, गांव भाव सोहम देश यानी गांव का मन, है ना, और भाव पुरुष श्री कृष्ण, गांव भाव सोहम देश, सोहम देश धर्म और साहित्य, नदी बूंद पीपल के यानी नदी नारी और संस्कृति,
बूंद मिले सागर में पीपल के बहाने, और लास्ट में आओगे तो क्या होगा पता है, उसके बाद भारतीय साहित्य और लोक साहित्य यानी भारतीय चिंताधारा, साहित्य का खुला आकाश, लोक साहित्य यानी लोक और लोक का स्वर। इसके बाद मैंने आपको बताया था रथ यात्रा निकालते हैं कौन, 2000 में रथ यात्रा निकाले थे वो लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के लिए, तो रथ यात्रा निकालते हैं 2002 में और जनता से कहते हैं भाइयों बहनों बह रहा गिर रहा आज पानी, आज हमारी आंखों से पानी गिर रहा है, गांधी का करुण रस, गांधी की तरह मैं रो रहा हूं, अरे थोड़ी सी जगह दे दो राम मंदिर बनाने के लिए, कितने मोर्चे कितने लड़ाई लड़ोगे, साहित्य के सरोकार याद ना हो जाए तो बताना।